हेलो दोस्तों, मैं कुमार कृष्ण आप लोगों को बता देते हैं, मैं इस वक्त ऐसी जगह पे हैं जो एक ऐसा धार्मिक स्थल पर खड़े हैं जो तकरीबन तारानगर से 26 किलोमीटर दूर नेठवा पंचायत समिति के अंदर तारानगर के अंदर एक भव्य मंदिर बना हुआ है जिसको कहा जाता है सो पांड्या का मंदिर, यानी श्याम पांड्या का मंदिर जिसको कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ना कोई घर दिख रहा है आसपास में, ना कोई परिवार दिख रहा है, ना कोई गली, ना कोई मोहल्ला। आबादी की सिर्फ बात करें यहाँ तो, कि आदमियों की बात करें तो यहाँ पे चारों कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ये बियाबान जंगल, चारों ओर बियाबान जंगल ही नजर आ रहा है, चारों ओर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। यहाँ पे आसपास में काफी दूर तक कोई भी गांव नजर हमें नहीं आ रहा है। और बात करें यहाँ, इस गांव का नाम है श्याम पांड्या का गांव। जी हाँ, आपने सही सुना, इस गांव को कहते हैं श्याम पांड्या का गांव, जहां पे श्याम जी महाराज का एक भव्य और बहुत ऊंचा मंदिर एक टीबे पे बना हुआ है, और जो आसपास के दूर दूर तक क्षेत्रों तक आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये है चूरू जिले के तारानगर तहसील के नेठवा ग्राम पंचायत में ये जो है श्याम पांड्या है जो गांव में बना हुआ है। आपको इस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं कि ये गांव है, इस गांव की अगर बात करें तो जनसंख्या के क्षेत्र अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पे रिकॉर्ड किया गया है कि यहां पर आबादी के रूप में आबादी के रूप में यहां पे केवल और केवल एक पुरुष को ही यहां पे आबादी है, महिला यहां पर न तो महिला है, नहीं यहां पे बच्चों है। यहां की संख्या महिला और बच्चों की संख्या शून्य है। और साक्षरता की बात करें तो यहां पर साक्षरता वो 100% रिकॉर्ड कर ली गई है। और जो व्यक्ति मैं बता रहा हूं, एक वो है यहां पे श्याम जी महाराज के पुजारी हैं जो इस मंदिर में पूजा का कार्यभार है जो संभालते हैं। और इस मंदिर के आसपास का आपको जो व्यू दिख रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं भी इस बियाबान जंगल में दूर दूर तक कोई भी गांव दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी आपको यहां पे आदमी है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त आपको ये बताएं। और ये एक तीर्थ स्थान है जहां पे लोग बड़ी तादाद में है जो यहां पे भगवान श्याम के अपनी पूजा अर्चना के लिए यहां पे आते हैं, लंबी अपनी जो इच्छा पूर्ण के लिए यहां पे आते हैं। और आपको बता दें, ये पास में जो आपको दिख रही है ये है यहां पे गौशाला, श्याम गौशाला बनी हुई है जहां पे मतलब गौओं की है जो गौशाला, बहुत सारी गवाएं यहां पे, और पास में एक टंकी भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है जो बनी हुई है। अब आपको इस मंदिर के तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, मंदिर के बारे में बता देता हूं और मंदिर के बारे में भी बताऊंगा और मंदिर कैसा है अंदर से वो भी आपको पूरा पूरा मैं दिखाऊंगा। और पहले इसके बारे में और बता देता हूं, गांव के मंदिर है इस गांव का, श्याम पांड्या गांव है, इस मंदिर के आसपास है जहां पर आवासीय जगह कोई भी नहीं। आपको ये बड़ा ही एक आश्चर्यचकित एक रहस्यमयी बात आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। आप एक बात और ध्यान रखना कि ये जो क्षेत्र है श्याम पांड्या जो गांव फैला हुआ है 521 बीघा में ये पूरा गांव है जो फैला हुआ है, जो नेठवा ग्राम पंचायत तारानगर के अंतर्गत ये आता है। और ये बात करें तो मतलब ये इस क्षेत्र की यानी तारानगर के आसपास के क्षेत्र की सबसे ऊंचा जगह है, यहां पे सबसे ऊंचा जगह ये, सबसे ऊंची जगह यही है यहाँ पे ये टीला। और इसके बारे में कुछ किदवंतियां भी हैं, महाभारत काल से कुछ किस्से भी यहाँ पे जुड़े हैं इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है। आपको बताएंगे वो भी कि महाभारत काल के किस्सों की अगर मैं बात करूं तो बहुत पुरानी एक बात है कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था और जब अज्ञातवास के दौरान वो घूम रहे थे, अज्ञातवास के टाइम अपना अज्ञातवास बिता रहे थे, तो उस समय में हुआ क्या कि वो लोग यहाँ पे रुके थे और रुकने के बाद यहाँ पे उसने एक हवन किया था। और हवन करने के बाद ऐसा एक और किदवंती वहां पे जुड़ी हुई है कि हवन के दौरान यहाँ पे पांडवों के जो बलशाली भाई थे भीम, जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या किया कि बैठते थे तो यहाँ पे उसने जो एक अपने पैरों की जूती दिखाई जिसकी वजह से टीले का निर्माण हो गया। ऐसी किदवंतियों में ऐसी मतलब बातें हैं जो देखने को मिलती है और जिसकी वजह पर जिसमें हवन किया वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण है जो एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको अक्षरधाम के नाम से है जो जाना जाता है। यहाँ पे तीन मंदिर बने हुए हैं, शिव मंदिर बना हुआ हनुमान जी का, पवन पुत्र हनुमान का मंदिर है, श्याम जी का यहाँ पे एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो कुछ मेरे साथी भी यहाँ पे, मैं जिस साथियों के साथ आया था वो साथी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो लोग उसके पास एक साइड में एक जोहड़ पड़ता है, इस साइड में ये देख लो वहाँ पे वो लोग हैं जो घूमने के लिए गए हैं, काफ़ी दूर चले गए, उनसे आपको मिलवाते, वो काफ़ी यहाँ से दूर है, मुकेश कुमार और मुकेश सुथार, मुकेश सारण उसका नाम है। और ये है यहाँ की सबसे ऊँची जगह। साथियों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं श्याम पांड्या मंदिर के बारे में, आपको मैं बता रहा हूँ जो है तारानगर से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सबसे ऊंची जगह इस क्षेत्र की ये है, मरुधरा की सबसे ऊंची जगह ये है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो लोग यहाँ से दूर चले गए, घूम रहे हैं यहाँ पे इस बियाबान जंगल में है जो उसको आनंद ले रहे हैं इस जगह का। और ये मौसम भी बात करें तो बारिश का मौसम है जो बादल है चारों ओर
आप देख रहे हो कि सुनहरी, यहाँ की जो कितनी सुनहरी धूप है, और नीचे से हरा हरा पूरा का क्षेत्र वर्षा ऋतु के कारण हरा भरा है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये श्याम पांडे का जो मंदिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मंदिर में अंदर लेकर आपको चलता हूँ, श्याम पांडे का मंदिर। इस वक्त चलता हूँ मैं आपको अंदर लेकर के। ये मंदिर है श्याम पांडे का, ये दरवाज़ा है इसका, मुख्य दरवाज़ा। और सामने जो भगवान हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, चारों ओर है, जो बहुत ऊंचाई है इस क्षेत्र की। और यहाँ पे तरह तरह के जो आपको फूल भी दिखाई देते हैं, कितनी सुनहरी फूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपको। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो इस मंदिर के अंदर ही रहते हैं, वो भी आप उन लोगों से मिलवाएंगे। भाई साहब कैसे हो? भाई साहब और सुनाओ, कहाँ से हो आप? नेटवे से हो? अच्छा, यहाँ पे मतलब मंदिर में काम करते हो आप? बकरी चरा रहे हैं। अच्छा, यहीं पास में क्या? तो मतलब आप यहाँ बकरी चरा रहे हो के, मतलब कब आए थे यहाँ पे? दिन नहीं आते। आराम करने के लिए आए हो यहाँ? अच्छा, मंदिर में रहते हो दोपहर में है? अच्छा, कितने लोग हो आप? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आपको दिखा देते हैं ऊपर का व्यू मंदिर के बारे में, जो मंदिर है इस मंदिर के पीछे के साइड से दिखाते हैं आपको सबसे, फिर आपको इसको मंदिर का पूरा जो व्यू है आपको दिखाएंगे। पीछे साइड से देखने से आप देख रहे हैं कि कितना मरुधरा का क्षेत्र यहाँ से कितना हरा भरा नजर आ रहा है। राजस्थान की ऐसी संस्कृति, पावन संस्कृति, तीर्थ स्थान है जो मरुधरा के बीच में बसे हुए हैं, जहाँ पे लोग है जो अपनी भगवान की भक्ति के लिए, भगवान में अर्चना, भगवान में इतना विश्वास मतलब वो रखते हैं कि वो यहाँ तक है जो पैदल यात्रा भी उस समय भी आते हैं, जो कच्चा रास्ता यहाँ से तकरीबन आप बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से है जो कच्चा रास्ता जाता है इस टीले से। और बहुत ऊंचा टीला है, इस आसपास के क्षेत्र का पूरा देख सकते हैं आप, इस टीले से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा है ये टीला। और आपको यहाँ पे मंदिर के जो दिखा रहे हैं आपको, ये भगवान, ये हनुमान जी का विशाल मंदिर है जो यहाँ पे आप प्रतिमा हनुमान जी की लगी हुई है। और यहाँ पे श्याम जी महाराज का ये मंदिर, श्याम पांड्या का प्रमुख मंदिर यही है जिसके नाम पे इस मंदिर को बनाया गया है। और आज कल यहाँ पे भगत जौन लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। और आपको पूरी पूरी जानकारी मैं है जो यहाँ से दे रहा हूँ। और अभी मैं मेरे कुछ साथियों से भी आपको मिलाऊँगा, और उस जो यहाँ से काफ़ी मतलब लगभग थोड़ी सी ज़्यादा दूर तो नहीं कह सकते, आपको दिख रहा होगा शायद ये जोहड़ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग घूमने के लिए गए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है साथियों, आप भी कभी यहाँ पे भगवान श्याम के आना जरूर, और इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेना और देखना। मैं वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर लेकर जा रहा हूँ अभी। तो साथियों में अब हम उस जोहड़ की तरफ जा रहे हैं जो इस बियाबान जंगल में यहाँ पे पानी की जल समस्याओं को पूर्ति के लिए बनाया गया है। और देख अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ऊंचा मंदिर है, ये आप बेखूफी से